स्वागत करता हूं एक बार फिर से। मैं डॉक्टर अभिषेक पांडे और आज का हमारा विषय है उपन्यास के तत्व, जिस पर हम चर्चा करेंगे। यह विषय रांची विश्वविद्यालय के स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के सेमेस्टर 3 में शामिल किया गया है। प्रिय छात्रों, उपन्यास के विभिन्न तत्वों पर विचार करने से पूर्व उपन्यास का सामान्य परिचय प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। तो आइए पहले हम उपन्यास को समझते हैं। उपन्यास शब्द दो शब्दों के मिल से बना है, उप और न्यास। उप उपसर्ग का अर्थ होता है सामने या समीप और न्यास शब्द का अर्थ होता है रखना। इस आधार पर उपन्यास शब्द का अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है कि एक लेखक अपने जीवन एवं समाज के आसपास जो कुछ देखता, सुनता एवं अनुभव करता है, उसे अपने भाव विचार से कल्पना के द्वारा सजा संवार कर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। चूंकि उपन्यास में वर्णित घटना को लेखक समाज से ही ग्रहण करता है और कल्पना के द्वारा सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, इसलिए वह हमें रुचिकर लगता है। यानी वह साहित्यिक रचना जिसे पढ़कर लगे कि उसमें वर्णित घटना हमारे निकट की नहीं बल्कि हमारी ही है, उसे उपन्यास कहते हैं। उपन्यास आधुनिक जीवन के यथार्थ को बहुत निकटता से पहचानने और उपस्थित करने वाली विधा है। उपन्यास को परिभाषा में बांधना आसान नहीं है, फिर भी उसकी परिभाषा करते हुए यह कहा जा सकता है कि उपन्यास वह आधुनिक गद्य विधा है जो यथार्थ को बहुत सहजता से उभारती है। उपन्यास की कथा काल्पनिक होती है, किंतु वह जीवन के यथार्थ की ही कथा होती है। उसके पात्र जीवंत और यथार्थ होते हैं। घटनाएं हमारे जीवन के बीच की होती हैं और उनमें एक तार्किक संगति होती है, अर्थात किसी घटना के घटित होने के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उपन्यास के बारे में प्रेमचंद ने लिखा है, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूं। मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोजना ही उपन्यास के मूल तत्व है। छात्रों, उपन्यास के सामान्य परिचय के उपरांत अब हम उपन्यास के विभिन्न तत्वों पर विचार करेंगे। उपन्यास के 5 प्रमुख तत्व गिनाए गए हैं, जो हैं कथावस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, परिवेश, संरचना शिल्प एवं प्रतिपाद्य। अब हम बारी बारी से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कथावस्तु की बात करते हैं। उपन्यास में जिस घटना का वर्णन किया जाता है उसे कथावस्तु कहते हैं। इस विधा में घटना का विस्तार से वर्णन रहता है। इसमें रचनाकार सीमा के अंदर बंधा नहीं रहता। उपन्यास में कथावस्तु ठोस और श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए, अन्यथा कथा में अस्वाभाविकता आ जाती है। श्रृंखलाबद्ध का तात्पर्य है एक प्रसंग का दूसरे प्रसंग से संबंध, मूल भाव या प्रसंग को विस्तार से वर्णन करने का अवसर उपन्यास में रहता है। अतः रचनाकार बड़े कौशल के साथ इसका वर्णन कर सकता है।
विस्तार करते समय यह भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि कहीं कोई प्रसंग अप्रासंगिक तो नहीं हुआ जा रहा है। उपन्यास की कथा चरित्र को विकसित करने वाली और स्पष्ट होनी चाहिए। काल्पनिक और अविश्वसनीय लगने वाली घटना का चित्रण उपन्यास में नहीं होना चाहिए। कारण, इससे उपन्यास में अस्वाभाविकता आ जाती है। पहले के उपन्यास में कथा के आरंभ से अंत तक एक श्रृंखला होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कथा का आरंभ किसी भी घटना या वर्णन आदि से हो सकता है, अर्थात कथा वस्तु के कथा के अनुसार कहीं से भी कहानी शुरू हो सकती है। पात्रों के वार्तालाप से, किसी पात्र के अंतर्द्वंद से कथा की शुरुआत हो सकती है। आज के उपन्यास में यह आवश्यक नहीं है कि उसमें कोई निश्चित अंत हो, अर्थात कथा की समाप्ति बीच में भी हो सकती है। अगला है पात्र या चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, किंतु उपन्यास में ऐसा नहीं होता। पात्रों की संख्या इसमें अधिक तो होती ही है, साथ ही एक से अधिक पात्र महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वैसे चरित्र प्रधान उपन्यास में एक पात्र को केंद्र में रखकर कथा का विकास किया जाता है। उपन्यास में चरित्र के विकास के लिए पर्याप्त अवकाश रहता है, अर्थात पात्र के चरित्र की छोटी से छोटी विशेषताओं को भी बताया जा सकता है। आज के उपन्यास में कल्पित एवं अविश्वसनीय लगने वाले चरित्रों की सृष्टि नहीं की जाती, वैसे पात्रों का चुनाव किया जाता है जो स्वाभाविक लगे, अर्थात पाठक को लगे कि पात्र उसके आसपास के जीवन का ही है। अगला तत्व है परिवेश। परिवेश का अर्थ है देशकाल, अर्थात उपन्यास में वर्णित घटनाओं का संबंध किस समय और किस स्थान से है। इन्हीं सब बातों की जानकारी परिवेश के अंतर्गत दी जाती है। लेखक को उस काल स्थान की जानकारी होनी चाहिए जिस काल और स्थान को वह अपनी रचना में स्थान देता है। यदि लेखक बिना जानकारी के परिवेश का वर्णन करता है तो उससे रचना में अस्वाभाविकता का समावेश हो जाएगा, अर्थात कथा में बनावटीपन झलकेगा। यथार्थ से दूर होने पर पाठक को उसमें अरुचि भी हो सकती है। यदि लेखक ने ग्रामीण जीवन को रचना का आधार बनाया है तो उसे ग्रामीण जीवन के परिवेश का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। जब तक वह स्वयं उस परिवेश का सूक्ष्मता से अध्ययन नहीं कर लेता, अर्थात जानकारी प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यथार्थ चित्रण नहीं कर सकता। गांव के घर, गलियां, चौपाल, खेत खलिहान, लोगों के रहन सहन, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, अनुष्ठान, पशुधन आदि की पूर्ण जानकारी के बाद ही लेखक ग्रामीण जीवन का सच्चे अर्थ में अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार लेखक यदि शहर के जीवन को कथानक का आधार बनाता है तो उसे उन सारी बातों की जानकारी आवश्यक हो जाएगी जिनसे शहरी जीवन जुड़ा हुआ है। अगला तत्व है
प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य का अर्थ है उद्देश्य। उपन्यास में क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है, उसी को उद्देश्य कहते हैं। उपन्यास के प्रतिपाद्य को समझने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम उपन्यास को ठीक से समझें, उसके बाद उसमें निहित संदेश को पहचानें, उस संदेश का सामाजिक और साहित्यिक मूल्यांकन करने के बाद ही हम यह जान सकते हैं कि लेखक ने रचना के माध्यम से जो संदेश दिया है वह कितना उचित है। धन्यवाद।